हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम जो एप्पल सेब खाते हैं क्या वह हमारे लिए जानलेवा हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में आपका जो सेब होता है वह ह्यूमन बॉडी के लिए हानिकारक नहीं होता है, यानी कि उसमें जो बीज पाए जाते हैं वो ह्यूमन बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं। देखिए, उसमें जो एक एलिमडिनिन नाम का तत्व पाया जाता है और इस तत्व में साइनाइड और चीनी उपस्थित होता है। जब कोई ह्यूमन इस बीज को खा लेता है तो उसके पाचन तंत्र में उपस्थित जो एंजाइम होता है उसके साथ यह रिएक्शन करके हाइड्रोजन साइनाइड बनाता है जो कि जहरीला होता है और उससे ह्यूमन बॉडी की डेथ हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्रीदेवी की एक फिल्म थी मॉम, जिसमें उन्होंने कुछ अपराधियों को सेब के बीजों से ही मार डाला था क्योंकि उसमें साइनाइड पाया जाता है। वह एक जहर होता है जिसकी मदद से उन्होंने उन अपराधियों को मार डाला था। अब दूसरी बात यह है कि यह कितनी मात्रा पर देने पर आपके लिए घातक हो सकता है। तो यदि कोई ह्यूमन 200 सेब की बीजों को खाएगा तब यह उसके लिए हानिकारक हो सकता है। और पॉइंट ये है कि अगर वह उस बीज को डायरेक्ट निगल जा रहा है तब वह उसके लिए हानिकारक नहीं हो सकता, क्योंकि जो बीज की क्लॉटिंग होती है वो इतनी हार्ड होती है कि आपका जो बॉयल जूस होता है वह उसे तोड़ नहीं पाता है। तो अगर आप चबा कर उसे खा लिए तो वो आपके लिए नुकसान कर सकता है। इस साइनाइड की थोड़ी सी भी मात्रा भी आपके लिए बीमारी का कारण बन सकती है, क्योंकि इससे सिर दर्द और बहुत सी बीमारियाँ भी हो सकती हैं। यदि कोई ह्यूमन इस साइनाइड से इफेक्टेड है और अगर वो ठीक भी हो जाए तब भी उसके लिए सिर दर्द और बीमारी जैसी खतरे बनी रहती, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा घातक साइनाइड होता है। फ्रेंड्स, सेब के अलावा भी बहुत से ऐसे फल होते हैं जिनमें जो है आपका ये साइनाइड पाया जाता है, जैसे आपका आड़ू हो गया, चेरी हो गया। अब अगर हम साइनाइड जहर की बात करें तो ये एक बहुत ही घातक जहर होता है। पहले भी लोग इसका जो यूज़ सुसाइड करने में यूज़ करते थे। ये बहुत ही खतरनाक होता है। इसके अधिक मात्रा में यूज़ लेने पर यह दिमाग और हार्ट पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। फ्रेंड्स, मेरी सलाह आपके लिए यही है कि आप सेब को बाकायदा काट कर खाइए, उसके बीजों को भूल से भी चबाने की गलती ना कीजिए, वरना वह आपके लिए घातक हो सकता है। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।